सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जहां तमाम सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए समाज के नामी लोगों को आगे आना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए राजस्थान में बाल पंचायत को आगे आना पड़ा है। आपको बता दें कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में बाल मजदूर और बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के उद्देश्य से कोडरमा के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मित्र गांव का निर्माण किया गया है। इन गांवों में पूरे लोकतांत्रिक तरीके से बाल पंचायत का गठन कर बच्चों की समस्याओं के कारण और निवारण की जिम्मेदारी इन बाल कंधों पर ही सौंपी गई है। बाल पंचायत के पदाधिकारी न सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए लोकतांत्रिक ढांचे को भी मजबूत कर रहे हैं। यह बच्चे सुदूरवर्ती और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के हैं, जिन्होंने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाल समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाया है। गौरतलब है कि कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की पहल पर बाल समस्याओं से निपटने के लिए बाल मित्र गांव का निर्माण किया गया है। यहां पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बाल पंचायत का गठन कर बाल मुखिया सहित अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन भी किया गया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।